मैंने कहा भाई मैं अकेले क्या करूंगा इतने बड़े फ्लैट में। इस बात में तो मैं नो कमेंट्स। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है नए ब्लॉग में विद न्यू टी शर्ट। रोज नहीं पहनेंगे अब, और दिन की शुरुआत करिए बहुत बढ़िया हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ। इसलिए आज गाऊंगा खूब, मैं बताता हूँ क्या खा रहे। देखो पौष्टिक आहार ये सब खाया करो जिंदगी में, अगर मित्र फिट रहना है तो समझ रहे हो। एक दिन खा लूंगा 100 दिन गाऊंगा। देखो भाई ये बंदा है, इसकी वाइफ है, मैं कहा भाई दिखा दे। देखो ये इसकी वाइफ, ये वाली भाई साहब ये पक्का सरकारी नौकरी में होगा। देखो पक्का। देखो फिर दिखाऊंगा। ये देखो ये है, ये इसकी वाइफ है, बिलीव करोगे इधर जो थी। ये भाई ये वाली कसम से सरकारी नौकरी में है ये साला। मतलब जिंदगी में भैया सरकारी नौकरी ना तो बेकार है जिंदगी। देवरो क्या ना इंसाफी है, मैं अचानक से भी देख रहा था ये, तो मैंने दिखा दूं आपको। अगर सुंदर बीबी चाहिए तो सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। वरना मेरी तरह फिर समझ लो। हाँ जी लल्ला लोग, क्या हाल चाल, आज थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए ब्लॉग नहीं डल रहे, क्योंकि भाई की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आप ध्यान रख रहे हो खाने पीने का या किसी चीज़ का हमारा, बस ऐसे ही हमारे शुभचिंतक को थोड़ा यार ध्यान रखा करो भाई का। थोड़ा टी शर्ट का शो ऑफ कर रहा हूँ मैं, ज़रूरी है करना, क्योंकि मोटा खर्चा कर दिया है, तो मोटा खर्चा कराया तो फिर टी शर्ट पहननी भी बहुत ज़रूरी है। और बाकी आज कारगिल दिवस है, तो कारगिल दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जो वीर शहीद जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी कारगिल के युद्ध में, उन सबको मेरा नमन है। और भगवान से यही प्रार्थना है कि हमेशा हम विजयी प्राप्त हों, और युद्ध अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, पर ज़िंदगी और इतिहास के हिसाब से जो है ना ये होना ही होना है। युद्ध तो आपको मिलेंगे ही जीवन में देखने को, क्योंकि तो राक्षस भी हैं इस दुनिया में, तो फिर उनका विनाश करने के लिए कोई तो आगे आएगा, तो वो हमारे सूरवीर आगे आते हैं। पर भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके परिवार वाले, उनके बच्चे, बीवी बच्चे, माँ बाप, उनके भाई बहन, सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, और हमारी सरकार जिस तरीके से उन्हें समर्थन देती है, डिफेंस फोर्सेस को ज़बरदस्त दे। बाकी बढ़िया लग रही है टी शर्ट, नेकर भी दिखा दिया तुम्हें यार, नेकर देख लिया तुमने यार, बहुत दिक्कत होगी। ऐसे मैंने 2 टी शर्ट ली थी मैं सभी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी तो मार दी मैंने कि डेली की न्यू टी शर्ट दिखाऊंगा, और थोड़ा सॉफ्ट कर दिया, थोड़ा कभी कभी बनता है। 2 टी शर्ट ली थी, एक ये और एक ऐसी का वाइट कलर। कैसी लग रही है बता जरूर देना, क्योंकि अगर बताओगे तो और ख़रीद लूँगा, और नहीं बताओगे तो भी ख़रीद लूँगा। थोड़ा चलता रहता है ऐसे ही, बहुत दिन हो गए आपसे बातचीत नहीं की। एक चीज़ है वैसे, गवर्नमेंट जॉब में जो है ना, मुझे डिफेंस फोर्सेस की बहुत रेस्पेक्ट है मुझे, मतलब मैं करता हूँ डिफेंस फोर्सेस की रेस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि वो जो पैसा लेते हैं, जो सैलरी लेते हैं ना सैलरी, वो डिजर्विंग है, बल्कि उससे भी कम, मान लो कम ही मिलती है, मैं तो चाहता हूँ और मिले। जो जवान होते हैं ना उनकी कम है पे आउट्स, ऑफिसर के लिए तो फिर भी डिसेंट लाइफ है, बढ़िया ज़िंदगी है, बट ये लोग हैं वाकई में जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं और सिस्टम में जो है हमारा विश्वास पैदा करते हैं सरकारी तंत्र में, कि हाँ सरकारी तंत्र जो है वो सही काम कर रहा है। वरना और सरकारी नौकरियों का तो पता ही है तुम्हें, एक तो पीछे अभी मजाक कर रहा था, दिखा रहा था। और वो कहीं ना कहीं सच भी है कि सरकारी तंत्र तो बहुत दीमक लग चुकी है, सालों की दीमक है, बहुत पुरानी, 50-100 सालों की, जब से भी आज़ाद हुआ, उससे पहले भी अंग्रेज़ों के टाइम से ये दीमक लगी हुई है। आज़ादी के बाद तो ज़्यादा लग गई होगी इंडियंस को, तो बड़ा अलग सिस्टम है ये। तो खैर डिफेंस फोर्सेस को जो है मेरा जो है क्या कहना चाहिए, सलाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, देश आबाद रहे, दुनिया आबाद रहे, और कभी भी जो है झुकना नहीं चाहिए इस देश का मस्तक। बाकी मौसम जो है बारिश हो रही है आज यहाँ पे बहुत, दबा के दिखाता हूँ। और भक्ति गाने की भी जो है आवाज़ आ रही है, कहीं पर डीजे वगैरह चल रहा है, कार्यक्रम हो रहे होंगे कुछ ना कुछ।
बहुत बारिश हो रही है आपके यहाँ, क्या हाल है? यहाँ कल रात से बारिश हो रही है। यही वाला व्यू मिलेगा मेरी बालकनी से तो हमेशा, बारिश हो रखी है उसका तो मतलब ही नहीं है सनलाइट का। पूरा गीला गीला, कपड़े भी नहीं सूख रहे भाई। भाई लोगों, एल्विस यादव को देख के एक चीज याद आती है, और जो सभी यंगस्टर्स और सब लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ के इस एज में ना, 20 साल के आसपास की एज में अपने फोकस और करियर फोकस पे सॉरी फोकस पे करियर अपने करियर पे फोकस कर लो तो एल्विस यादव जैसे बन सकते हो। जैसे लड़का देखो कितना नाम रोशन कर रहा है सबका, घर वालों का, पैसा भी कमा रहा है, नाम भी रोशन कर रहा है। और अदरवाइज अगर ऐसा सोचोगे कि नहीं, तुम तूफानों में से कश्ती निकाल के ले जाओगे, जैसे कभी हमने सोचा था कि प्यार भी करेंगे और करियर पे भी फोकस करेंगे और दोनों चीजें ले जाएंगे एकदम निकाल के, भाई साहब एक ही निकल पाती है ज्यादातर कश्ती तो, और ज्यादातर जो है ना बच्चे प्यार वाली कश्ती में रहते हैं ज्यादातर, तो इसलिए जो है उस कश्ती में सवार ना हो, थोड़ा लेट हो जाए। जैसे लेट हमें ज्ञान आया है, अगर इस वीडियो के माध्यम से एक भी बच्चा अपनी कश्ती सही समय पर सही वाली कश्ती में बैठ गया तो मैं सोचूंगा कि मेरा यूट्यूब का ब्लॉग स्टार्ट करना करियर सफल तथा अस्तु। बागेश्वर भावा ने जो है ना भाई साहब मौज खड़ी कर रखी है, मौज कुछ जो है लोगों के देखो तो देख रहे हो, कुछ लोगों के तो जो है ना वो खुल जाते हैं राज, इसलिए बहुत सोच समझ के अर्जी लगाना इनके दरबार में। भाइयों अपने सचिन भाई का बर्थडे है, उनको प्लीज विश कर देना, हमारे मामा जी के सुपुत्र हैं, सबसे बड़े दो सुपुत्र, बड़े वाले मामा जी के बड़े सुपुत्र हैं। भाइयों मैं एक चीज कह रहा था कि अभी एक गाना देख रहा था उसका अमृत मान का, तो भाई उससे पहले एल्विस ने शोर मचा रखा है पूरे देश में ये सारे 24-25 साल के, और अमृत मान मैंने सोची यार 35-36 का तो होगा, वो बंदा पंजाबी सिंगर है अपना, मैं उसी की तरह लगता हूँ ऐसा बोलते हैं लोग, अभी नहीं लग रहा हूँ वैसे तो। भाई भी यार मेरे से एक साल छोटा है, मतलब साला जिंदगी जी जाए फिर या क्या करी जाए, मतलब कहीं चिल्लू भर पानी में कुछ सिस्टम बनाऊंगे अपना दादा, हमने कुछ ना करा, सारे कुछ ना कुछ कर गए लाइफ में, तो बहुत गलत बात है ये तो बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ और है, अभी आते आते अमीर जो है ना बनना है, दिखना नहीं है, दिखना, ये दिखने के चक्कर में हुआ सारा सिस्टम, समझ रहे हो? बहुत दिख लिए हम तो, इतना ज़्यादा अमीर दिख गया मैं कि जो सच में अमीर है ना वो भी कॉम्प्लेक्स फील कर गए कि साला इतना तो यार हम भी ना दिखाई दिए, इतना तो हमने भी ना करा जितना सोनी ने कर दिया, माला समझ रहे हो तुम? स्कॉर्पियो ब्लैक वो भी 0009, मजाक समझ रहे हो यार? तो मैं ये बोल रहा था अभी धनु बाजार पंचर जुड़वा लें चलते हुए, दो पंचर थे इसमें। हाँ मैं ये बोल रहा था कि भाई बहुत अमीर बना गया है, बहुत ज़्यादा, जिसके लिए पैसा खर्च कर गया, 0009 नंबर लिया गया, ऊपर से 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चला भी दी, समझ रहे हो? सिस्टम था यार मतलब पूरा प्रॉपर, और टोरे में आज भी कमी नहीं है, अगर और बनना हो क्या अमीर तो एक थार ले लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु कहना भूलिए कि फिर जो हमारी फटेगी फिर सिली नहीं जाएगी देख रहे हो भाई लोगो मकान कितना सेक्सी लग रहा है ये वाला, बस तुम्हें इतना ही सपोर्ट करना है कि इतना पैसा कमा लूँ कि ऐसा मकान बना लूँ, बस उसके बाद बंद कर देना। एक बात और कहनी भूल गया कि प्लाट जो है ऐसी लोकेशन पे चाहिए कतई, देखो इधर ये सड़क है, इधर ये पेट्रोल पंप है, देखो सिस्टम समझ रहे हो? और देखो अगर थोड़ी सी स्थिति उलट पलट हो गई तो ये पंचर की दुकान है, यहीं पंचर लगा ले करेंगे अपने सिस्टम बना के। गाड़ी में पंचर निकला ही नहीं, जो टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम होता है ना TPMS वो गलत बता रहा है, उसका जो सेंसर होता है बॉल बॉडी में लगता है टायर की, तो वो गड़बड़ है अपना, तो देखा जाए उसे करवा लेंगे यार, इतने तो अमीर हैं अभी, छोटा सा है वो, ज़्यादा मतलब बड़ा था। सचिन भाई की सोसाइटी में आ गए, अब चलते हैं ऊपर और इनसे जो है देखते हैं क्या क्या प्रबंध करे हैं इन्होंने, आखिर पार्टी मतलब दमदार होनी चाहिए यार, लगना चाहिए क्या यार, रईसों वाली पार्टी है साला। आ गए जी पार्टी लेने के लिए, और उद्दू भाई तो हमारे खाना खा रहे हैं, भाभी ने भी खाना खा लिया, बताओ क्या पार्टी होगी देखो भाई लोगों अभी बात हो रही है, ये बड़े भाई लेने अभी एक मुद्दे पे बातचीत हो रही थी,
और मैं कई दिनों से जो है ये चीज़ मतलब कह रहा हूँ, जैसे कोई भी बात हो रही है कि भाई मैं इसलिए आना चाह रहा हूँ शहर, गांव में एक दूसरे से अगर आप मतलब थोड़ा सा दो रोटी सही खा लोगे, आपने थोड़ा बहुत विकास विकास कहीं से ठीक ठाक सा बन जाएगा ना, तो दूसरा आदमी तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, पड़ोसी वो खुशी हमसे झिलती नहीं, तो इसलिए मुझे शहर शिफ्ट होगा, ये मेरा एक रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न आई वॉन्ट टू शिफ्ट। शहर से रात को सामान लेके भाग जाता है, फिर घर से सामान लेके शहर। नहीं नहीं नहीं, ये भाई देख गलत कर रहा है तू, 25,000 का सामान लेके गया तू यहाँ से। 25,000 में फिर तूने नया सामान खरीदा। यार एक बात बता भाई, ऐसी वो ऐसा था ना, वो घर पे क्या हुआ कि हम में आपस में ज्यादा प्रेम हो गया सब लोगों में, अलग अलग बेड चाहिए, हम में सब लोगों में ज्यादा प्रेम हो गया, और चांदनी कहने लगी मुझे तो गाँव जाना है, मैं तो गाँव जाके रहूंगी। तो मैंने कहा भाई मैं अकेले क्या करूंगा इतने बड़े फ्लैट में। इस बात में तो मैं नो कमेंट्स। आप सब समझदार हो, सिस्टम है, ये होता रहता है। तो अब हम वहाँ चले गए, हमारा प्यार थोड़ा सा क्या हुआ, जो बहुत ज़्यादा प्यार था थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया, तो अब हम फिर से आना चाह रहे हैं, बाकी भोले की मर्जी है, देखते हैं क्या होता है। बाकी अपनी ट्रिप का बताओ जो हम प्लान कर रहे हैं, पैन इंडिया। ओ तो जब मर्जी, एक महीने बाद चले, कोई कमिटमेंट नहीं है, पर एक महीने बाद कुछ ऐसा है कि भाई भारत भ्रमण पर निकलेंगे, क्या पता इस बहाने मोनेटाइज हो जाए भाई का चैनल, आप लोगों की दुआएं लग जाएं। पैन इंडिया ट्रिप धन्नो के साथ, या फिर सुमित भाई बैठे हैं, या फिर ये अपनी गाड़ी ले चलें, इन्हें खुला चैलेंज है। देखो नई निकाल लें, नई आए तेरी गाड़ी जो कमर तोड़ देगी ना उसका भी तो बता, क्या पता उस फिर बाद में हॉस्पिटल में कितना कितना खर्चा आ सब पे। डीजल आधा बिल्कुल भी ना होगा, आधे से अगर कमी होगा। अच्छा भाई लोगों, गोवा का प्लान है बाई कार, तो गोवा बैठ रहा है 1800 है ना, 2000 मान लो, 2000 जाना 2000 आना 4000, 1000 और इधर उधर घुमक्कड़ी 5000 हो गया। स्कॉर्पियो से एवरेज है 7 रुपये किलोमीटर का तो रनिंग, और 2 रुपये किलोमीटर की है टैक्स, टोल टैक्स, तो 9 रुपये किलोमीटर हो गया, तो 9×5 45,000 का डीजल प्लस टोल। तू कह रहा है कि तू 22,500 रुपये में तेरी गाड़ी 15 से ज्यादा का दे देगी एवरेज, तेज चलाएगा तो तू मेरी तेज चलाऊंगा तो 25 एवरेज। ओ भाई साहब मैं तो भूल गया, इसकी गाड़ी भी 100 का एवरेज, ये वही है इसकी क्या नाम है नेक्सॉन, जिसकी वजह से जो रील डाली है मुझ पर गालियां पड़ी है, ये वही नेक्सॉन की बात कर रहे हैं, बैटरी लगा के चार्ज हो गया तो तेरी किस्मत है। ये भाई साहब ही हैं, इनकी जो है गाड़ी की जो है ना, नहीं सॉरी, हाँ पहली बात तो ये है कि तू मुआवजा तेरे दिया नहीं अभी तक, जो मेरी बैटरी खराब हुई है इसकी गाड़ी जो की बैटरी खराब हो गई थी, तो मैंने स्कॉर्पियो की बैटरी से इसकी गाड़ी स्टार्ट कर दी, मुझसे एक भारी मिस्टेक ये हो गया कि मैंने लिख दिया स्कॉर्पियो पावर, और जो मुझे 18 साल के 16 साल के बच्चे जो मुझे मतलब सिखा रहे हैं कि ये तूने क्या कर दिया है रे ये रे, एक बार देखना इंस्टाग्राम पर जाके। भाई लोगों अपना पार्टी का सामान आ गया है इनके भाई साहब के उपलक्ष्य में, बहुत हल्की सी पार्टी है ये, बट हम इसी से काम चला लेंगे क्योंकि हमने भारी पार्टियां छोड़ दी हैं, ये करता है बस भारी पार्टी कभी कभी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, पैसे वसूल हो गए होंगे, नहीं होंगे तो अगले ब्लॉग में करवा देंगे। ओके थैंक यू सो मच, और इस पिज्जा की वजह से ही मुझे शहर में आना है, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंटरनेट के बता देना जरा, कमेंट करके यूं कह रहा है कि इंटरनेट के पैसे वसूल ना होंगे, ठोक देना कमेंट पर कमेंट, पैक कितने का है इंटरनेट का। ठीक है भाई साहब, बाय बाय।